कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सितारों की तरह चमकते हैं और सितारों की तरह ही गायब हो जाते हैं। मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां तो याद ही होंगी आपको, जब 2019 में पश्चिम बंगाल के दो चेहरे जीते और लोकसभा पहुंचे, दोनों के जीतने से लेकर पहली बार संसद में प्रवेश करने तक और पहली बार बोलने तक की खूब चर्चाएं हुई। खूबसूरत चेहरे ग्लैमर वर्ल्ड से राजनीतिक लाइमलाइट में आए, दोनों चेहरे जितनी तेजी से सियासत में चमके उतनी ही तेजी से गायब भी हो गए। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। फिल्मी स्टार्स के राजनीति में रहने का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। कुछ को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो कई स्टार्स किसी एक पार्टी के साथ रहकर लंबे वक्त तक राजनीति करने में सफल नहीं हो पाए या फिर पार्टी ने ही उन्हें किनारा कर दिया। अब इन दोनों की ही बात कर लीजिए, यानी मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां की। टॉलीवुड से राजनीति में आई मिमी चक्रवर्ती जादवपुर और नुसरत जहां बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थी। कहीं ना कहीं दोनों या तो राजनीति के ट्रैक से बाहर हो गईं या बंगाल की राजनीति के साथ तालमेल रखने में सफल नहीं रहीं। दरअसल टीएमसी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां उन 5 मौजूदा सांसदों में से 2 हैं जिनके टिकट टीएमसी ने काट दिए, यानी टिकट ही नहीं दिया गया। मिमी को हमेशा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रतिनिधित्व किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र में हल्का माना जाता था, यानी वो इतनी मजबूत नहीं थी और पिछले महीने उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और एक कदम पीछे हटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो अब अपनी दुनिया में लौटना चाहती हैं क्योंकि राजनीति उनके लिए नहीं है। वहीं मिमी चक्रवर्ती की जगह टीएमसी ने अब सायोनी घोष को जादवपुर से प्रत्याशी बनाया है। साथ ही नुसरत को 5 जनवरी को संदेश खाली में हुए मामले के बाद आलोचना का भी सामना करना पड़ा था क्योंकि संदेश खाली नुसरत की लोकसभा सीट में ही आता है और संदेश खाली में बवाल के बाद नुसरत पर सवाल उठे थे कि क्या वो अपने क्षेत्र में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई, जिसके बाद पार्टी ने फैसला लिया और इस बार उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। खैर, फिल्मी स्टार्स के राजनीति में आने से पार्टी को फायदा हो ना हो, लेकिन जनता का इससे नुकसान जरूर हुआ है। वो कैसे आपको बताते हैं। फिल्मी स्टार्स की लोकसभा में अटेंडेंस रिपोर्ट काफी खराब रही है। 17वीं लोकसभा के दौरान कई फिल्मी स्टार्स की संसद में अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही, जिसमें नुसरत और मिमी भी शामिल थी। फिल्मी दुनिया से आए ज्यादातर सांसदों की उपस्थिति 20-50% के बीच ही रही। 17वीं लोकसभा में तृणमूल की नुसरत जहां की अटेंडेंस 23% रही। राजनीति को अलविदा कहने वाली मिमी की संसद में उपस्थिति 21% रही, यानी सभी सांसदों से कम। तो अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए कई नेताओं की परफॉर्मेंस भी काफी खराब रही है। जनता की सेवा की बात करें तो राजनीति में आने वाले अभिनेता और अभिनेत्री पद पाने के बाद अपने क्षेत्र में कामकाज करने में भी असफल रहे हैं और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2024 के दौरान कई ऐसे सांसद हैं जो कुल आवंटन का 50% हिस्सा भी अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च नहीं कर पाए। इनमें फिल्म क्षेत्र से राजनीति में आए नेताओं के नाम हैं और इन्हीं में नुसरत और मिमी का भी नाम शामिल है। तृणमूल की नुसरत जहां ने एमपी लैंड फंड से विकास कार्यों के लिए सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। दरअसल एमपी लैंड सांसदों को मिलने वाला एक तरह का फंड होता है। भारत सरकार के मुताबिक फंड का उद्देश्य सांसदों को स्थानीय स्तर पर जरूरतों के आधार पर विकास के लिए दिया जाता है, लेकिन नुसरत और मिमी जनता के लिए विकास नहीं कर पाई। फिलहाल फिल्मी स्टार्स के राजनीति में रहने का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर स्टार्स किसी एक पार्टी के साथ रहकर लंबे वक्त तक राजनीति करने में असफल रहे हैं। कई स्टार्स तो जीत के बावजूद राजनीति छोड़कर अपने मूल काम की ओर लौट गए हैं, जैसे मिमी चक्रवर्ती। कहा गया है कि आपदा या किसी भी कठिन समय पर ज्यादातर फिल्मी स्टार्स अपने क्षेत्र से गायब रहे। इनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने लापता के पोस्टर्स भी लगवाए थे। यही हाल नुसरत और मिमी का भी था, इसलिए ममता बनर्जी इन दोनों स्टार से काफी नाराज नजर आई। खैर, ये कहा जा सकता है कि पार्टी स्टार्स को बड़े उम्मीद के साथ मैदान में उतारती है, लेकिन कभी कभी स्टार्स को मैदान में लाकर पछताना भी पड़ता है और तृणमूल कांग्रेस के साथ भी यही हुआ। फिलहाल राजनीति में डूबते सितारों की इनसाइड स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल की खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।